So here we studied about the nomenclature of phenol. In last video we studied about the nomenclature of the alcohols. So in an alcohols, commonly these alcohols are called as the alkyl alcohol, and by IUPAC nomenclature we can use the name as the alkanol. That means T of the alkane is replaced by the OL. So in that phenols, again the compounds which has common name as well as the IUPAC name. So phenols, it is used by the, or it can be accepted by the phenol, accepted by common name as well as it is accepted by the IUPAC name. मतलब फिनॉल की नेम कॉमन नेम में भी एक्सेप्ट किया गया है एज वेल एज आईयूपीएसी नेम में भी एक्सेप्ट किया गया है. पर फिनॉल्स कॉमनली फिनॉल्स बोलेंगे, लेकिन मतलब एरोमेटिक अल्कोहल को हम फिनॉल बोलेंगे और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में इसको हम बोलेंगे बेंजीनॉल. जैसे अल्कोहल में अल्कैनॉल ई रिप्लेस होकर ओएल आया है, वैसे ही यहाँ पर एरोमेटिक रिंग को हम फर्स्ट एरोमेटिक रिंग को हम बेंजीन कहते हैं. तो बेंजीन में का जो लास्ट ई है वो रिप्लेस होकर वहां पर क्या ऐड होगा, ओ एल ऐड होगा. सो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में नेम क्या होगा, बेंजीनॉल होगा. तो कॉमन नेम में हम फिनॉल यूज करेंगे नेम एज अ पेरेंट नेम, और आईयूपीएसी नेम में हम बेंजीनॉल यूज करेंगे. बट बेंजीन और ओएल के बीच में अगर ओएल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर एक से ज्यादा होंगे तो ओएल के आगे मतलब बेंजीन और ओएल के बीच में हमें वहां पर उस अल्कोहलिक ग्रुप की या फिर उस हाइड्रोक्सी ग्रुप पोजीशन मेंशन करनी होगी विद द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा व्हाटएवर इट इज. ओके, सो इन दैट केस वी राइट द सम एग्जांपल ऑफ द फिनॉल्स एंड आइडेंटिफाई देयर कॉमन नेम एज वेल एज द आईयूपीएसी नेम. सो द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ दैट फिनॉल इज नथिंग बट द बेंजीन रिंग विद ओएच व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज द फिनॉल. इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल. और आईयूपीएसी नेम में इसे फिनॉल भी कह सकते हैं हम. As well as the second one name of that compound is nothing but the benzene. Okay? Now the second one compound, if this phenol containing other one functional group on that compound. For example, if there is OH is present as well as the CH3 is present. So CH3 with benzene ring it is called as the toluene. As well as benzene ring with OH it is called as the phenol. So this compound is called as the cresol. Okay, if the both the hydroxy group and the methyl group present on that benzene ring, then it is called as the cresol. So depending on the position of the alkyl group present on that ring, it has prefixes in the common name, that is ortho, para and meta. So यहाँ पर methyl group कौन से position पर present है, ortho position पर, क्योंकि one two position दी गई है, तो ortho position किसका नाम क्या होगा, ortho cresol. तो ये cresol जो है ये नाम specific नाम है. जैसे ऐसे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मिथिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि ओएच फर्स्ट पोजीशन कैरी करेगा. तो यहाँ पर ओएच फर्स्ट पोजीशन और मिथिल अगर सेकंड पोजीशन कैरी करे तो इसके दो नाम हो सकते हैं. फर्स्ट वन क्या, एक तो टू मिथिल फिनॉल हो सकता है और दूसरा टू हाइड्रोक्सी टोलिन हो सकता है. मतलब दोनों भी नाम यहाँ पर पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर हम दोनों में से कौन सा नाम लिखेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों भी नाम हम यहाँ पर कैरी आउट कर सकते. तो यहाँ पर हम सिंपली इसे स्पेसिफिक नाम से डिनोट करेंगे विच इज नथिंग बट द ऑर्थो क्रेसॉल. सो अगर ये मिथिल ग्रुप मेटा पोजिशन पर होगा तो वो होगा मेटा क्रेसॉल, अगर ये मिथिल ग्रुप फोर्थ पोजिशन पर होगा तो ये रहेगा पैरा क्रेसॉल. सो दिस वन इज द स्पेसिफिक एज वेल एज द कॉमन नेम ऑफ द फिनॉल. नाउ द आईयूपीएसी नेम, अब आईयूपीएसी नेम में मिथिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और ओएच भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू मिथिल फिनॉल, क्योंकि यहाँ पर मिथिल ग्रुप की पोजिशन मेंशन होगी जो कि रहेगी टू. सो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, टू मिथिल फिनॉल, क्योंकि फिनॉल या फिर बेंजीनॉल ये लास्ट मतलब ये पैरेंट नेम में कंसिडर होगा. तो फिनॉल लास्ट में रहेगा, तो ऑब्वियसली जो भी अदर स्पेसिफिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा दिस वन इज द ब्रांच विच इज प्रेजेंट ऑन दैट फिनॉल कंपाउंड. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इफ मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन दैट कंपाउंड विद द पोजिशन, अगर यहाँ पर वन टू पोजिशन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज द डायहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल. नाउ दिस हैज स्पेसिफिक नेम कैचिंग फॉर्म, इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक नेम विच इज कॉल्ड एज द कैचेकॉल, और दूसरा नेम आप टू
वो हाइड्रोक्सी बेंजीन में लिख सकते हो, लेकिन बेंजीन ये जो नाम है वो आईपीएसी नेम में आएगा, इसीलिए हम इसे स्पेसिफिक नाम से डिनोट करेंगे, दैट इज द कैटेगोरी। या फिर इसका दूसरा नाम भी हो सकता है ऑर्थो, क्योंकि वन टू पोजिशन है ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, क्योंकि हम इसे टू हाइड्रोक्सी फिनॉल ऐसा नाम नहीं कंसिडर कर सकते, तो यहाँ पर ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसे कंसिडर करेंगे, बट वी नो दैट बेंजीन इट इज रिप्रेजेंटेड एज द आईपीएसी नेम, सो इसका स्पेसिफिक नेम होगा यहाँ पर कैटेकॉल। और इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, यहाँ पर मेरी पोजिशन ही मेंशन करनी है वन टू और बेंजीन रिंग है, तो आप उसको बेंजीन और फॉर्म में लिखेंगे अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो नाम होगा यहाँ पर बेंजीन। अब दो जब हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेंजीन का जो ये ई है वो ई रिटेन होगा, मतलब अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट रहे सो दैट टाइम द ई ऑफ द बेंजीन इज रिटेन। तो यहाँ पर बेंजीन फिर पोजीशन क्या है वन टू, और दोनों भी अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए डायफिक्स यूज होगा, और यहाँ पर ओएच फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा बेंजीन वन टू डायकॉल। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ ओएच एंड द अदर वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन इट देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन कैरी करेगा, तो कॉमन नेम क्या आएगा यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और यहाँ पर इसका नाम क्या होगा ऑर्थो की पोजीशन में मतलब सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पर नेम होगा टू नाइट्रो फिनॉल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन एग्जांपल ऑफ दैट कंपाउंड इज दैट, यहाँ पर नेक्स्ट वन अगर ओएच ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर और अगर थर्ड पोजीशन पर, दैट मीन्स अगर वन थ्री पोजीशन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो वन थ्री पोजीशन है मतलब मेटा कंपाउंड हुआ, सो मेटा कंपाउंड है तो इस जैसे यहाँ पर ऑर्थो कंपाउंड है उसी तरह से स्पेसिफिक नाम है कैटेकॉल, उसी तरह से अगर ये मेटा पोजीशन पर रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप तो इसका कॉमन नेम है रेसोर्सिनॉल, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज नथिंग बट द रेसोर्सिनॉल। ओके, नाउ द आईपीएसी नेम ऑफ दैट फिनॉल इज दैट वन थ्री पोजिशन है, मतलब यहाँ पर नेम क्या होगा बेंजीन वन थ्री डाई और, ये इसका नेम होगा, मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो बेंजीन वन टू डायल, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप बट डिफरेंट पोजिशन हैविंग अ नेम बेंजीन वन थ्री डायल, तो ये जो बेंजीन वन टू और बेंजीन वन थ्री डायल है उसी तरह से बेंजीन वन फोर बेंजीन वन फाइव डायल भी आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट हैज अ स्पेसिफिक नेम कैटेकॉल रेसोर्सिनॉल कॉम्प्रेसर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन एग्जांपल ऑफ दैट कंपाउंड इज फर्स्ट पोजिशन थर्ड पोजिशन और फिफ्थ पोजिशन,
यहाँ पर इक्विडिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो इक्विडिस्टेंस पर प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम होगा यहाँ पर कॉमन नेम दैट इज द फ्लोरो ग्लूसी नॉट। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा, फ्लोरो ग्लूसी नॉट, और इसका आईपीसी नेम क्या होगा, बेंजीन 1,3,5 ट्राई फॉर। ओके, इसके अकॉर्डिंग इसके नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग विथ OH ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप रहा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एल्डिहाइड ग्रुप अगर कंसिडर करेंगे, सो दिस वन इज कॉल्ड एज द सैलिसिल एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि OH के कंपैरिजन में यहाँ पर एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। सो नाउ इन दैट केस दिस कंपाउंड हैज नेम सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग विद OH और बेंजीन रिंग विद COOH, it is called as COOH, as well as the aldehyde group, this one is called as the salicylic acid. अगर benzene ring पर acidic group present होगा, तो वहाँ पर वो carboxylic acid, benzoic acid का role play करेगा, लेकिन उस benzoic acid के साथ अगर aldehyde group रहा, तो उसको salicylic acid बोलते हैं। तो यहाँ पर salicylic aldehyde क्यों? क्योंकि यहाँ पर acidic group, sorry, alcoholic group भी aldehyde group present है, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं salicylic aldehyde। ओके, ये एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर ये सैलिसिल एल्डिहाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर रिमाइंड करना होगा, या फिर आप यहाँ सिंपल ही नाम दे सकते हैं टू हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। ओके, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एल्डिहाइड नॉट ऑफ द फिनॉल, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप और अगर एल्डिहाइड ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड पर प्रेजेंट है, मतलब बेंजीनिक पर प्रेजेंट है, नाउ दिस वन इज द कंपाउंड ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप नॉट ऑफ द हाइड्रोक्सी नॉट ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप, सो दिस वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द फिनॉल, सो वी नॉट राइट हियर दिस वन एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल की OH विद एनिलीन इज प्रेजेंट, ओके, NH2 ग्रुप विद OH प्रेजेंट अगर रहा, सपोज दैट यहाँ पर NH2 ग्रुप है और यहाँ पर OH, या फिर यहाँ पर अगर एसिडिक ग्रुप रहा, यहाँ पर मतलब इसमें से अदर कोई पोजिशन पर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर कोई भी अदर ग्रुप अगर प्रेजेंट रहा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम अलग होगा। अगर सपोज दैट इस कंपाउंड पर CH2 विद अगर OH प्रेजेंट रहा, दे This one is called as the benzene and this one is called as the alcohol. तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, benzylic alcohol. ओके, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, अब देखो मिथिल ग्रुप विद यहाँ पर ये कंपाउंड जो है, तो यहाँ पर ये मिथिल ग्रुप विद OH एज अ पैरेंट एल्किन का नाम लेगा, और यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, दिस बेंजीन रिंग हैज अ नेम और इट प्ले द रोल एज अ ब्रांच, तो यहाँ पर इसका नेम क्या होगा, अपोजिट कौन से कार्बन को कुछ अटैच किया, एक ही कार्बन है, इसलिए यहाँ पर इसका नेम होगा फिनिल फिनॉल। ओके, तो इसका IUPAC नेम होगा यहाँ पर फिनिल मिथेनॉल, बिकॉज ड्यू टू द कार्बन अटैच टू दैट बेंजीन रिंग, दिस कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल हैज अ पैरेंट नेम एंड दिस बेंजीन रिंग हैज अ ब्रांच ऑन इट, देयरफॉर इट प्ले द रोल एज द प्रीफिक्सेस व्हिच इज राइट बिफोर द नेम ऑफ द अल्कोहल, सो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज नथिंग बट द फिनिल मिथेनॉल। तो ये है एग्जाम्पल फिनॉल्स के जिसमें आपको कॉमन नेम याद रखना है, बिकॉज इट इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक नेम एंड IUPAC नेम डिपेंडिंग ऑन द लॉन्ग सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, जो कि यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन कहाँ पर है, एक से ज़्यादा अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो वहाँ पर डायहाइड्राइड टेट्रा ये प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का यूज़ करना है, दैट इज OH ये यूज़ करना है, और यहाँ पर IUPAC नेम लिखना है। ओके, लुक एट हियर, नाउ द नेक्स्ट वन नॉमेनक्लेचर इज ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। अब हमें यहाँ पर किसके नॉमेनक्लेचर स्टडी करने हैं, ईथर्स के नॉमेनक्लेचर स्टडी करने हैं। तो ईथर्स में हमें पता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, R बॉन्ड O बॉन्ड R, और सिंपली अगर हम यहाँ पर बॉन्ड
O bond, अगर ये consider करेंगे, this is the functional group of ether. And now this two bond is filled with the alkyl group, aryl group, which may be similar, which may be different. Depending on that, it has a name that is symmetrical ether as well as the unsymmetrical ether. तो यहाँ पर ऑक्सीजन को दो बॉन्ड अटैच्ड है और दो बॉन्ड खाली है, तो वहाँ पर सिमिलर अल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट अल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, सिमिलर अराइल ग्रुप मतलब एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है अटैच, या फिर डिफरेंट एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, या फिर एक एलिफेटिक रिंग मतलब अल्काइल ग्रुप और दूसरा अराइल ग्रुप भी वहाँ पर अटैच हो सकता है. तो यहाँ पर हमें ईथर्स में कॉमन नेम में ईथर्स को क्या कहते हैं और आईपीएसी नेम में क्या कहते हैं ये हमें यहाँ पर डिफाइन करना है. तो बेसिकली कॉमन नेम में हम ईथर्स को यूज करेंगे बाय यूजिंग द अल्किल, दैट मीन्स द नेम कॉमन नेम ऑफ दैट ईथर्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द अल्काइल ईथर. सो इफ द सिमिलर अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट देयर देन वी यूज द प्रीफिक्सेस डाय ट्राई टेट्रा बेसिकली डाय, क्योंकि एक दो से ज्यादा अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते. If the similar alkyl group present, then we can use as the di as a prefixes before write the name of the alkyl. And the parent name is write by using the name that is ether. इसका parent name में या फिर last name में हम क्या use करेंगे? Ether use करेंगे और ether के आगे हम क्या लिखेंगे? Alkyl group का name. अगर similar रहा तो वहाँ पर prefixes use करेंगे di. अगर dissimilar रहा then we can arrange it in alphabetical order. और common name में हम इसे alkyl ether बोल रहे हैं common name में, तो IUPAC name में इसे बोलेंगे हम alkoxy alkane. यहाँ पर alkoxy group कौन सा रहेगा और alkane group कौन सा रहेगा? तो ऑक्सीजन को जो लोअर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस लोअर अल्काइल ग्रुप विद द ऑक्सीजन हैज द नेम ऑफ द अल्कोक्सी विच इज यूज्ड एज द प्रीफिक्स एंड राइट द नेम बिफोर टू द अल्किन. अल्किन के पहले हमें इसे लिखना है. और अल्किन कौन सा रहेगा? जिसमें हाईएस्ट कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे वो अल्केन को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज यूज्ड एज द पैरेंट नेम ऑफ दैट ईथर कंपाउंड. सो हम यहाँ पर कॉमन नेम में अल्काइल ईथर से इसको डिनोट करेंगे और आईपीएसी नेम में अल्कोक्सी अल्केन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो द कंपाउंड इज कंपाउंड देयर कॉमन नेम एंड देयर आईपीएसी. ओके, सो द फर्स्ट कंपाउंड इज CH3O. सो कॉमन नेम में फर्स्ट रूल क्या है? इट इज राइट एज अल्काइल ईथर. इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर सिमिलर देन यूज द प्रीफिक्सेस डाई बिफोर द नेम ऑफ द अल्काइल एंड एंड दिस नेम विद द विद राइटिंग द ईथर. इफ डिफरेंट ग्रुप इज प्रेजेंट देयर देन राइट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट और अटैच विद द ऑक्सीजन एटम और द टू अल्किल ग्रुप विच इज अटैच विद द ऑक्सीजन एटम इज डिफरेंट देन वी कैन राइट दिस नेम बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द पैरेंट नेम एज ए ईथर. ओके, तो यहाँ पर हमें दो ही रूल याद रखने हैं. अल्किल ग्रुप सिमिलर रहे तो डाई ट्राई ट्राई ये प्रीफिक्स यूज करना है, अगर डिफरेंट रहे तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और इसे ईथर से एंड करना है. ओके, तो यहाँ पर टू मिथिल ग्रुप है तो डाई मिथिल ईथर इसका कॉमन है. ओके, सेकंड ग्रुप C2H5OCH3 बॉन्ड को बॉन्ड C H 3 bond C H 3. ओके, इस तरह से कंपाउंड दिए गए हैं. सो फर्स्ट वन इज द डाइमिथिल ईथर इसका कॉमन नेम.
दैट इज अल्काइल के अकॉर्डिंग लिखा गया है. नाउ अल्कोक्सी अल्केन, अब अल्कोक्सी अल्केन लिखा है यहाँ पर, तो देखो दोनों भी अल्कल ग्रुप सिमिलर है, तो एक को कंसिडर करो अल्कोक्सी. तो अल्कोक्सी में कौन आना चाहिए? ऑक्सीजन विथ लोअर अल्काइल ग्रुप. तो यहाँ पर दोनों भी सिमिलर है, तो कौन सा भी आप ले सकते हो. तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पर? अल्कोक्सी. अब कार्बन के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, अगर एक ही कार्बन है उस ऑक्सीजन के साथ अटैच रहने वाला तो वो मिथॉक्सी होगा. अगर दो कार्बन है तो वो इथॉक्सी होगा. अगर तीन कार्बन है तो एड प्रोपॉक्सी उसका नाम होगा. तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें लिखना है. तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये जो लोवेस्ट अल्किल ग्रुप या फिर ये लोवेस्ट अल्किल ग्रुप आप लोगे तो उसमें कार्बन है सिर्फ एक, इसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी. ऑक्सीजन मिथॉक्सी. और ये जो मिथिल ग्रुप है, दिस मिथिल ग्रुप इज टेक द नेम एज अल्केन. सो मिथिल ग्रुप से इसीलिए इसका अल्केन नेम क्या होगा? मिथेन होगा. मतलब इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या होगा? मिथॉक्सी मिथेन. ओके, नाउ द सेकंड वन. अब यहाँ पर देखो एक साइड में कौन प्रेजेंट है? इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे साइड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. मतलब दोनों भी ग्रुप जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट अल्किल ग्रुप है. सो जब डिफरेंट अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो हम कॉमन नेम में उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो पहला ग्रुप है इथाइल, दूसरा ग्रुप है मिथाइल. और ऑक्सीजन को हम किसे डिनोट करेंगे? इधर से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पर इथाइल और मिथाइल में से पहला नाम किसका आएगा? इथाइल का. इसका नाम क्या होगा यहाँ पर? इथाइल मिथाइल ईथर. ओके, सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज दैट इथाइल मिथाइल ईथर. और उसके अकॉर्डिंग अब अल्केन का नाम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आप देखो यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट, यहाँ पर एक ही कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है, तो अल्कोक्सी में कौन जाएगा? ऑक्सीजन विथ मिथिल ग्रुप. और ये क्या होगा? अल्केन नेम रिप्रेजेंट, अल्केन नेम को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी. तो टू कार्बन वाला जो अल्किल ग्रुप है वो अल्केन का नाम लेगा और वन कार्बन वाला जो अल्किल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ मिथॉक्सी का रोल प्ले करेगा. तो नेम क्या होगा? मिथॉक्सी मिथेन होगा. नाउ हियर, अब दिस साइड में प्रेजेंट है अल्किल ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप एक कार्बन वाला एटम कंपाउंड, और यहाँ पर अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तीन कार्बन वाला. तो तीन कार्बन प्रेजेंट है मतलब एन ए सबप्रीफिक्स वहाँ पर यूज होगा. अब मिथाइल है और एन प्रोपाइल, तो मिथाइल और एन प्रोपाइल में से पहले कौन आएगा? मिथाइल आएगा, उसके बाद प्रोपाइल आएगा. तो यहाँ पर नेम क्या होगा? मिथाइल एन प्रोपाइल. और इसका आईयूपीएसी नेम, अब ये लोवेस्ट ग्रुप है तो यहाँ पर ये मिथॉक्सी और यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट जो ग्रुप है वो क्या रहेगा? अल्केन रहेगा. लेकिन मिथॉक्सी की पोजीशन भी हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि आईपीसी नॉमनक्लेचर में हमें लोवेस्ट नंबर देना है, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप कौन से कार्बन को अटैच है ये देखना है. तो जिस ऑक्सीजन को कार्बन अटैच है उस, मतलब जिस साइड से ऑक्सीजन इधर में का जो ऑक्सीजन है, जिस साइड से ये ऑक्सीजन और मिथॉक्सी ग्रुप जिस साइड से इस कार्बन को नजदीक से अटैच रहेगा उस साइड से हमें यहाँ पर नंबर मिला. मतलब देखो यहाँ पर अगर CH3 को CH2 CH2 CH3 और CH3 को CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है. तो यहाँ पर देखो ये स्मॉलेस्ट कार्बन कार्बन ग्रुप और ऑक्सीजन, ये क्या कौन सा रूप प्ले करेंगे? मिथॉक्सी का रूप, विच इज यूज एज द प्रीफिक्स विच इज राइट बिफोर द नेम ऑफ द अल्केन. अब यहाँ पर अल्केन की लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है, मतलब हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है. तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन है. ओके, मतलब ये स्ट्रेट मैनर में है. अब इस चेन को हम अलग मैनर में भी लिख सकते हैं. इस मैनर में लिखा मतलब ये जो चेन दिख रही है ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, ऐसा नहीं. दिस इज नॉट द ब्रांच विच प्रेजेंट ऑन द लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन. अब इसको दूसरे वे में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3. ओके, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा. तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा.
अब देखो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये आपको कौन से कार्बन को अटैच दिख रहा है? दिस मिथॉक्सी ग्रुप इज अटैच्ड ऑन व्हिच कार्बन? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड को अटैच है, ये फोर्थ और फिफ्थ। मतलब ये जो आपको ब्रांच मैटर में चेन दिख रही है एक्चुअली स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन पर ये मिथॉक्सी एज अ ब्रांच ग्रुप कहाँ पर अटैच है? यहाँ पर, OCH। ओके, मतलब तीसरे क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? टोटली 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है तो हमें इस अल्कोक्सी ग्रुप का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो वो हम किस साइड से कि हम लोवेस्ट नंबर रूल अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स द नंबर ऑन द लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांच। अगर ब्रांच जिस साइड ब्रांच पर से हम जो भी ब्रांच प्रेजेंट है उस पर से हम किस साइड से नंबरिंग देना है ये डिसाइड करेंगे। तो हमें किस साइड से नंबर देना है? जिस साइड से ब्रांच नियर है उस साइड से देना है। अब आप इस साइड से डिसाइड करोगे तो 1, 2, 3 थर्ड पोजिशन पर आ रहा है, इस साइड से डिसाइड करोगे तो 1, 2, 3 दोनों भी साइड से थर्ड पोजिशन पर ही आ रहा है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ये ग्रुप नहीं हुई, मतलब यहाँ पर सिर्फ CH3 ही प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4 तो अब मतलब यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये ही प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पर ओके, तो ये वाला कार्बन अब आप इस साइड से नंबर दोगे या इस साइड से? तो ऑब्वियसली किस साइड से नंबर दोगे आप? जिस साइड से अल्कोक्सी ग्रुप नजदीक है इस साइड से दोगे या इस साइड से? तो इस साइड से ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, मतलब फर्स्ट ये होगा 2, 3, 4। अल्कोक्सी ग्रुप सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, जिस साइड से नंबर देगा हम थर्ड कार्बन पर इसको इसकी पोजिशन मेंशन करेंगे क्या? नहीं, सेकंड पोजिशन पर है तो मिथॉक्सी ग्रुप की पोजिशन यहाँ पर मैटर करेगी जब हम IUPAC नेम लिखेंगे, जब कार्बन की संख्या 2 से ज़्यादा होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट ऑक्सीजन एटम। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पर पोजिशन मेंशन करनी होगी अल्कोक्सी ग्रुप की। तो अब देखो इस स्ट्रेट चेन में ये सीधे 3 कार्बन एटम का अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन ये होगा क्योंकि जिस साइड से ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन फर्स्ट होगा। जैसे अगर यहाँ पर OH रहा, CH2 और CH3 रहा, तो पहला कार्बन कौन सा होगा? जिस कार्बन को OH अटैच्ड है वो कार्बन फर्स्ट होगा। उसी तरह से H की जगह पे सिर्फ CH3 है, तो पहला कार्बन कौन सा होगा यहाँ पर? CH2, ये वाला जो ऑक्सीजन को अटैच है वो कार्बन फर्स्ट होगा, सिमिलर टू दैट अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा और तीसरा, तो ये जो अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोक्सी ग्रुप कौन से कार्बन को अटैच है? फर्स्ट कार्बन को अटैच है। ओके, तो अब इसका नाम क्या होगा? अब फर्स्ट कार्बन को अटैच कर लीजिए, देखो 3 कार्बन एटम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और फर्स्ट को कौन अटैच है? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी की पोजीशन यहां पर मेंशन करनी है, पर मिथॉक्सी और अल्केन का नाम, अल्केन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। नाउ द नेक्स्ट वन सिमिलर केस। ओके, सो ये होगा अल्कोक्सी ग्रुप आपका, दैट इज ब्रांच, और हम नंबरिंग है तो आप इस साइड से भी नंबरिंग दे सकते हो, इस साइड से। सो फॉर सेकंड थर्ड, ओके, तो मिथॉक्सी ग्रुप कौन से पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-methoxy। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1, 2, 3 की है, तो यहाँ पर अगली का नाम क्या होगा? प्रोपेन होगा। ओके, अब इसका कॉमन नेम, अब इस साइड में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कॉमन नेम में, इस साइड में कौन है? अल्काइल, और इस साइड में कौन प्रेजेंट है? दैट वन। ओके, तो अब देखो 1, 2 और 3 पोजीशन, तो 1, 2, 3 पोजीशन है, तो ये स्ट्रेट चेन में नहीं है, ये ब्रांच मैटर में है, क्योंकि अगर इधर का अल्किल ग्रुप स्ट्रेट चेन में नहीं है, ब्रांच मैटर में प्रेजेंट है, और सेकंड पर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट, एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि अगर इस साइड से नंबर दोगे तो सेकंड पर मिथिल ग्रुप आ गया। मिथिल ग्रुप आने की वजह से यहाँ पर प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा? आइसो यूज होगा, मतलब इस साइड का जो कंपाउंड है वो है आइसो प्रोपाइल, और इस साइड का जो कंपाउंड है उसकी कहेंगे हम मिथाइल। ओके, तो ये मिथाइल या आइसो प्रोपाइल, तो मिथाइल और आइसो प्रोपाइल में पहले कौन आएगा? आइसो प्रोपाइल और मिथाइल ग्रुप आएगा। तो जब आप नाम लिखोगे तो नाम लिखते समय आपको प्रीफिक्सेस का जो अल्फाबेट है वो प्रीफिक्सेस का अल्फाबेट यहाँ पर
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन नहीं करता, सिर्फ अल्काइल का जो मेन नेम है उसे वहां पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इसका नाम होगा मिथाइल आइसो प्रोपाइल। ओके, सो है और यहां पर पी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, मिथाइल आइसो प्रोपाइल। So according to that, it has a name 2-methoxypropane and the IUPAC. Now the next one is methyl O or benzene. So यहाँ पर benzene ring भी OCH3 इसको commonly बोलते हैं anisole. Okay, इसका नाम क्या है, anisole है specific name, मतलब benzene ring. Basically इसका structure होगा इस तरह OCH3. So it has a specific name, that is the anisole, which is the aromatic ether. मतलब एक साइड से aryl group present है, दूसरे साइड से alkyl group present है, इसीलिए इसका नेम होगा anisole. Okay, now अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, अब IUPAC नेम है मतलब यहाँ पर phenyl group भी present है, alkyl group भी present है, oxygen. तो एक को alkoxy consider करना है और दूसरे को हमें parent alkane name consider करना है. तो alkoxy मतलब इसमें कौन आएगा, lowest carbon atom, कार्बन एटम 6 है, लोएस्ट कार्बन एटम है मतलब मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी की पोजीशन कार्बन पर यहाँ पर है. अब यहाँ एक ही पोजीशन पर है, हम इसको फर्स्ट डिनोट नहीं करेंगे. अगर दूसरा अगर ग्रुप अगर यहाँ पर अटैच रहा तो ही हम इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं. इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी. अब एल्केन कौन सा है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने की वजह से इस एरोमेटिक को हम क्या कहेंगे, बेंजीन. तो नेम क्या होगा इसका, मिथॉक्सी. Okay, now the next one is CH2CH2CH3CH. अब इसका कॉमन नेम इस साइड में प्रेजेंट है मिथाइल, इस साइड में प्रेजेंट है और वन टू प्रेजेंट है, और टू पर कौन प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप विद ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कॉमन नेम है CH2CH3. यहाँ पर फर्स्ट सेकंड CH2CH3, जैसे और अगर यहाँ पर OH रहा, सो दिस वन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंपाउंड. तो यहाँ पर जो अल्काइल प्रेजेंट है, दिस वन हैज द नेम सेकेंडरी, और कार्बन कितने हैं, 4, इसका नेम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल. सेकेंडरी ब्यूटाइल, अब मिथाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में से पतले कौन आएगा, ऑब्वियसली ब्यूटाइल आएगा. सो सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल. ओके, और यहाँ पर आईयूपीएसी नेम में ये स्मॉलेस्ट ग्रुप एज अ अल्कोक्सी यूज होगा, तो यहाँ पर दो कार्बन है इसलिए इसका नेम होगा इथॉक्सी, और यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन की है, तो पोजीशन मतलब लॉन्गेस्ट नंबर को कहाँ से देंगे हम, इस कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन से जब हम नंबर नंबर लिखोगे तो ये इथॉक्सी ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आएगा, जब आप इस साइड से नंबर लिखोगे तो ये थर्ड पोजीशन पर आएगा, मतलब नंबर हमें इस कार्बन से डिसाइड, इस कार्बन से देना है, 1 2, इस एंड से देना है 1 2 3 4. तो सेकंड पर कौन प्रेजेंट है, इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, सो 2 इथॉक्सी, और अल्केन कितने चेन का, कितने कार्बन एटम का है, 4 का, उसके अकॉर्डिंग इसका पैरेंट अल्केन नेम क्या आएगा. So these are the nomenclature of ethers. Okay, now look at here. Now we are going to study about the method of preparations of alcohols. हमें यहाँ पर alcohols, phenols as well as ethers के methods of preparation और chemical reaction study करने. तो हम step by step सबसे पहले अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन विथ केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, उसके बाद फिनॉल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, और उसके बाद इथर्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. सो दीज अल्कोहल्स, इट इज द रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. बेसिकली अल्कोहल्स इज मेजरली फॉर्म बाय द कार्बोनिल कंपाउंड. तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से है,
कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा, मतलब सी डबल बॉन्ड ये ग्रुप जिसमें प्रेजेंट रहेगा, दिस वन इज कॉल्ड एज द कार्बोनिल कंपाउंड। सो देयर आर थ्री कार्बोनिल कंपाउंड, फर्स्ट वन इज द एल्डिहाइड, सेकंड वन इज द कीटोन एंड थर्ड वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ऑल दिस कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स द अल्कोहल बाय रिडक्शन प्रोसेस। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज द अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हमें अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, मतलब अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट रहेगा और ये प्रोडक्ट न्यू रिएक्टेंट से यहाँ पर फॉर्म होगा। सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसे फॉर्म होगा कार्बोनिल कंपाउंड। सो यहाँ पर कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है, फर्स्ट वन इज द एल्डिहाइड, सेकंड वन इज द कीटोन एंड थर्ड वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन स्टडी करनी है। सो द फर्स्ट वन रिएक्शन इज विच इज कैरिड आउट बाय द रिडक्शन रिएक्शन, इससे कैरी आउट होगी, मतलब जब इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा, विच मे बी प्राइमरी अल्कोहल, विच मे बी सेकेंडरी अल्कोहल और विच मे बी टर्शियरी अल्कोहल। सो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, सो मेनली रिडक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, एंड विच टाइप ऑफ द कैटलिस्ट इज यूज, बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, थर्ड वन इज द लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट विच गिव्स द हाइड्रोजन और विच प्रोवाइड द हाइड्रोजन टू दैट मेन रिएक्टर एंड कैरी आउट द रिडक्शन रिएक्शन टू गिव द अल्कोहलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन इज ऑलवेज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, एंड दिस कैटलिस्ट इज नथिंग बट द इनर्ट मेटल विच इज बेसिकली यूज एज निकेल एंड पैलेडियम। ओके, निकेल और पैलेडियम ये दोनों कैटलिस्ट है विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया टू कैरी आउट द रिडक्शन रिएक्शन। तो कैटलिस्ट के तौर पर हम क्या यूज करेंगे, इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल कौन से है, निकेल और पैलेडियम। सो रिडक्शन है दैट मीन्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन ऑन दैट मेन सबस्ट्रेट। तो हाइड्रोजन ये मॉलिकुलर स्टेट में भी हो सकता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन मतलब सिंगल स्टेट में बट नेसेंट फॉर्म में हो सकता है, एंड थर्ड वन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर निकेल और पैलेडियम, इट मे बी रेडी निकेल एंड सो द पैलेडियम के प्रेजेंस में जो हम यूज करेंगे वो होगा हाइड्रोजन गैस या फिर नेसेंट हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, एंड द मोस्ट प्रिफरेबल एजेंट विच गिव्स द रिएक्शन एंड फॉर्म द रिएक्शन विद दैट कार्बोनिल कंपाउंड एंड गिव द अल्कोहल, दैट इज द लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट एज वेल एज NA सोडियम टेट्राबोरॉन और सोडियम बोरे ये भी बोल सकते। तो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट दिस इज द रिएजेंट विच गिव्स और विच प्रोवाइड द हाइएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। सो अब यहाँ पर हमें रिडक्शन स्टडी करना है इन मेटल के प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे और रिएक्शन होंगी इनके साथ। सो यहाँ पर दिस वन इज द कैटलिस्ट, दिस वन इज सॉरी रिएजेंट, दिस वन इज द रिएजेंट एंड बोथ आर द को रिएक्टेंट विच इज रिएक्टेड विद द कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ दैट कैटलिस्ट। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द एल्डिहाइड, फर्स्ट वन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट दैट इज द एल्डिहाइड विद एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ओके, मतलब COH ये जो ग्रुप प्रेजेंट है दिस ग्रुप इज नथिंग बट द एल्डिहाइड और मिथिल ग्रुप एक होने की वजह से इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। दिस एसिड एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन गैस एंड दिस रिडक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द निकेल और पैलेडियम एट 413 केल्विन टेम्परेचर। ओके, रेनिन इट मे बी अ रेनिन निकेल और इट इज ऑफर
in the presence of the palladium metal at that particular temperature. So यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है जो पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से इजीली ब्रेक होगा. तो वो कौन सा पाई बॉन्ड है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का. तो ये जो पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड. तो सिग्मा और पाई में से कौन सा वीक रहेगा? पाई वीक रहेगा जो इजीली ब्रेक होगा. तो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड को और H. तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है. तो पाई बॉन्ड जो है वीक होने की वजह से सबसे पहले ये ब्रेक होगा. ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इस कार्बन इस बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन है. तो ब्रेक होने के बाद एक बॉन्ड ऑक्सीजन पर डेवलप होगा और दूसरा रैपिड बॉन्ड कार्बन पर डेवलप होगा क्योंकि इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कार्बन और ऑक्सीजन का है. तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर जगह खाली करेगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर जगह खाली करेगा. मतलब सिंपली आपको याद रखना है जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो पोजिशन मिलते हैं. जिन दो एटम के बीच में वो बॉन्ड है उन दो एटम में एक एक पोजिशन आपको मिलेंगे जहाँ पर जो न्यू स्पेसिस है मतलब जो को रिएक्टेंट है उस को रिएक्टेंट का स्पेसिस आकर बनेगा. अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा. तो देखो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हुआ है CH3C. इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? दो. और उसके साथ कौन प्रेजेंट है? OH. मतलब हमें अल्कोहल मिल गया यहाँ पर. सो इट इज द फर्स्ट वर्ड मेटर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल CH3 बॉन्ड सी यहाँ पर OH और यहाँ पर दो हाइड्रोजन. मतलब ये दो हाइड्रोजन कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हैं और OH यहाँ पर प्रेजेंट है इन मैटर. सो दिस वन इज नथिंग बट द इथाइल अल्कोहल. ओके नाउ ये हो गया अल्डिहाइड के साथ. जब अल्डिहाइड के साथ अल्डिहाइड की रिडक्शन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो अल्कोहल मिलेगा दिस अल्कोहल इज नथिंग बट द प्राइमरी अल्कोहल. ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, क्योंकि ये ओएच जो है वो प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है इसीलिए वो प्राइमरी अल्कोहल होगा. नाउ सेकंड वन विद द कीटोन. अब कीटोन का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ इस एच के जगह पे अदर अल्किल ग्रुप होना चाहिए तो यहाँ पर वो कीटोन का रूप ले लेगा. दैट इज CH3C डबल बॉन्ड को एंड दिस एच इज रिप्रेजेंट बाय द अदर वन अल्किल ग्रुप. मतलब यहाँ पर कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप इस तरह से अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड सी डबल बॉन्ड को बॉन्ड एच. दिस वन इज द अल्डिहाइड, दिस वन इज द कीटोन. ओके तो यहाँ पर ये कीटोन है. कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकेल और पैलेडियम एंड 1-3-Kelvin. तो यहाँ पर रेनिनिकेल के अलावा निकेल एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट भी लिख सकते हो. मतलब निकेल और पैलेडियम लिख सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट दो रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो. ओके सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखो यहाँ पर फिर से कार्बन और के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट है CH3 बॉन्ड सी यहाँ पर वो बॉन्ड CH3 एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक जगह यहाँ पर एक जगह. तो यहाँ पर कौन आएगा? AA जाएगा, यहाँ पर KA जाएगा. मतलब आप इसको अगर कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो स्ट्रक्चर कैसे होगा? OH यहाँ पर CH. तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंडरी पोजीशन पर OH प्रेजेंट है. मतलब ये जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है वो अल्कोहल कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा. तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम है आइसो क्योंकि 1-2-2 का मीनिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है. आइसो प्रोपाइल अल्कोहल विच इज नथिंग बट द सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये कौन से टाइप का अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है. दैट मीन्स अल्डिहाइड गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल एंड द कीटोन गिव्स द सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन रिड्यूस्ड in the presence of when it reduced in the presence of the rhenanickel or inert metal palladium or the lithium aluminium tetrahydrate which is used as the reagent. Now the third one method of preparation which is carried out by the carbonyl compound by reduction process is that carboxylic acid. Sirf yahan par CH3 ki jagah par aana chahiye OH. Matlab formula hoga CH3 C double bond ko bond OH. So this one is the ketonic group. यहाँ पर इसका नाम होगा डाइमिथिल और इट इज कॉल्ड एज द
एसीटोन, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। ओ एन ई विच इज नथिंग बट द कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड। अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसमें दो कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल। ओके अगेन दिस वन इज द रिएक्टेड। सो यहां पर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली नॉट रिड्यूस्ड एंड डायरेक्टली नॉट गिव द अल्कोहलिक कंपाउंड। इट इज फर्स्टली रिड्यूस्ड टू गिव द ईस्टर कंपाउंड एंड आफ्टर दैट दिस ईस्टर इज रिड्यूस्ड विद दिस रिएजेंट टू गिव द अल्कोहलिक कंपाउंड। मतलब यहां पर एसिटिक एसिड का कन्वर्जन सबसे पहले किस में होगा? ईस्टर में होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अल्कोहल फॉर्म नहीं करेगा। और यहां पर जो कैटलिस्ट यूज होगा या फिर रिएजेंट यूज होगा, दिस वन इज नथिंग बट द लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट। सो फर्स्टली दिस वन इज रिएक्टेड विद द अल्कोहल। मतलब एसिटिक एसिड सबसे पहले किससे रिएक्ट होगा? अल्कोहल से रिएक्ट होगा। मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर? वाटर निकलेगा। सो वाटर निकलने के बाद CH3 का बॉन्ड खाली हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो रहा है, तो ये CH3 आकर किस पर अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन पर अटैच होगा। तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 डबल बॉन्ड को बॉन्ड को बॉन्ड CH3। दिस वन इज द डायमिथिल ईस्टर। सबसे पहले यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? ईस्टर फॉर्म। ओके सो ईस्टर फॉर्म होने के बाद नाउ दिस ईस्टर इज रिड्यूस्ड विद द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ द रेनेट निकेल। इसके साथ रिड्यूस होगा ये, अभी रेनेट निकेल के साथ यहाँ पर रिड्यूस होगा और यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अब अल्कोहल किस तरह से फॉर्म होगा? सबसे पहले जब ये रेनेट निकेल के साथ यहाँ पर अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ जब यहाँ पर अटैच होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन प्रेजेंट होने के साथ ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पर CH3CO2CH3। यहाँ पर ऑक्सीजन एक जगह खाली, यहाँ पर एक जगह खाली, दोनों ही जगह पर पहुंच जाएगा H। ओके अब एक ही कार्बन पर एट अ वन टाइम टू ऑक्सीजन विद बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं रह सकते। मतलब फिर तो देखो कार्बन विद OH, कार्बन विद अल्कोक्सी मतलब इथोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पर जो मिथिल ग्रुप विद अल्कोक्सी में प्रेजेंट है, यह अल्कोक्सी ग्रुप बल्कि मतलब हेवी है, तो कार्बन एट अ वन टाइम ये दो दो ऑक्सीजन को और उसके साथ हेवी ग्रुप को कैच करके नहीं रख सकता, तो इसीलिए वो उसे रिमूव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लॉस करेगा, सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन और CH3 प्रेजेंट है, नाउ द हाइड्रोलिसिस इज टेक्स प्लेस हियर, फिर से इसकी यहाँ पर रिएक्शन होगी। ओके ये प्रोडक्ट फिर से यहाँ पर रिएक्शन देगा तो इसमें से क्या रिमूव होगा? माइनस ऑफ आर, माइनस ऑफ अल्कोहल CH3O। अल्कोहल निकलेगा, मतलब कौन सा अल्कोहल? ये CH3 जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो जो प्रेजेंट है वो। तो यहाँ पर एक H2 लगा, फिर से ये किसके साथ रिएक्ट होगा? फिर से H2 के साथ रिएक्ट होगा। तो यहाँ पर कार्बन और इस अल्कोक्सी ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन माइनस फॉर्म में जा रहा है, माइनस फॉर्म में जाने की वजह से कार्बन यहाँ का ऑप्शन क्या कैरी करेगा? हाइड्रोजन कैरी करेगा। और यहाँ पर भी कार्बन इधर रेड होने की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज देगा? पॉजिटिव चार्ज देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन निगेटिव फॉर्म में रहेगा, तो निगेटिव फॉर्म वाला हाइड्रोजन जो है वो बाहर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा CH3CO2H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है? मतलब बॉन्डिंग कहाँ पर ब्रेक हुई है? मतलब बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है? कार्बन और अल्कोक्सी ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला जाएगा ऑक्सीजन के पास, नेगेटिव वाला जाएगा कार्बन के पास।
इस तरह से यहाँ पर जो अनुकूल फॉर्म होगा, दिस वन इज नथिंग बट द प्राइमरी अनुकूल। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिड्यूस होकर अनुकूल नहीं होते। ये सबसे पहले अनुकूल के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेगा, एस्टर फॉर्म करेगा। देन दिस एस्टर इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द रेनिलिकेट टू गिव द अल्कोहल। सो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल व्हिच इज कैरीड आउट बाय using the reactant carbonyl compound which undergoes reduction reaction. So एक बार देख लो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड से हमें अल्कोहल मिला जो कि है एल्डिहाइड इथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से प्रोसेस के थ्रू? रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। फर्स्ट बार अब कार्बोनिल कंपाउंड का यूज फिर से होगा और इसके साथ रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने के बाद ये क्या देगा, यहाँ पर हमें अल्कोहल देगा। मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की क्योंकि एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड की, आज सिंपल ही कार्बोनिल कंपाउंड की। सो इन दैट रिएक्शन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द अल्कोहल्स आर फॉर्म, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और द टर्शियरी अल्कोहल। सो विच टाइप ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड वी कैन टेक हियर, डिपेंडिंग ऑन दैट इट गिव्स द प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल एज द टर्शियरी अल्कोहल। सो द फर्स्ट वन इज दैट रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, ये बेस्ट होना मस्ट है। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, दोनों भी अगर अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन से अगर ऑक्युपाइड है, मतलब दोनों भी बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से ऑक्युपाइड है तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, पहला कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? इट इज कॉल्ड एज द अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो हमने हैलोजन डेरिवेटिव में स्टडी किया। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है R बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स, ये जनरल फॉर्मूला है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अल्किल की जगह पर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो और हैलाइड की जगह पर कोई भी हैलाइड ग्रुप ले सकते हो। आप जनरली ये कंसिडर करो या फिर सिंपली कोई कंपाउंड ले सकते हैं, दैट इज CH3। आर की जगह पर हम CH3 ले रहे हैं, एम जी हैलोजन रहेगा और एक्स की जगह पर हम लेंगे यहाँ पर C। ठीक है, अब ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। आपका मेन रिएक्टेंट क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड विच इज नथिंग बट द फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज को रिएक्टेड एंड द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई एथर। अब देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, दो में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दो पोजीशन मिलेगी। एच बॉन्ड सी बॉन्ड को यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर तो इसमें से ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज स्पेसिस कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रो निगेटिव स्पेसिस कौन सा है? ऑक्सीजन है और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पेसिस है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इस पर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से ऑक्सीजन पर कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस जाएगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्पेसिस जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस कौन सा, मतलब कहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी इस मॉलिक्यूल में? कार्बन और मेटल के बीच में, मैग्नीशियम ये मेटल है तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम का एक बॉन्ड सेटिस्फाइड होकर दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या चार्ज आएगा? प्लस वन चार्ज। और सी एस टी पर क्या चार्ज आएगा? माइनस वन चार्ज। तो सी एस टी किसे अटैच होगा? कार्बन को। और एम जी सी एल किसे अटैच होगा? ऑक्सीजन। तो दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस अटैच है प्रेजेंट, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल, सो टू मेक इट स्टेबल द फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस इज टेक्स प्लेस टू गिव द अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होगा उसके बाद? एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी होगा। अब एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एच प्लस आयन और द एसिड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द एनी एसिडिक कंपाउंड लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और अदर वन एसिड, वी कैन से दैट नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, बट बेसिकली वी टेक इट एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और द सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट हो रही है और HOH के साथ रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है और ये हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में हो रही
एच प्लस के प्रेजेंस में हो रही है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके अब एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ फिर से ऑक्सीजन के साथ मैग्नेशियम एज वेल एज सीएल अटैच है, मतलब ऑक्सीजन और इधर सीएल दोनों भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, मतलब ऑक्सीजन एमजी के साथ मेटल के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मैग्नेशियम मेटल ऑक्सीजन को कैरी कर कर नहीं रख सकता या फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में नहीं रह सकता। तो जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और एमजीसीएल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अगेन ऑक्सीजन और एमजीसीएल का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एमजी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वाटर में से एच प्लस आयन नेगेटिव के पास जाएगा और OH माइनस आयन पॉजिटिव के पास जाएगा, मतलब OH अटैच होगा एमजी को और यहाँ पर एच प्लस अटैच होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होगा, एच बॉन्ड सी बॉन्ड यहाँ पर O के पास जाएगा H, यहाँ पर H, यहाँ पर C और यहाँ पर फॉर्म होगा साइक्लोहेक्सेन Mg जो Cl से अटैच है उसके बाद वो OH से अटैच। तो यहाँ पर जो अल्कोहल फॉर्म हुआ है ये अल्कोहल बनता है प्राइमरी। ओके तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म। उसी तरह से अगर इन दोनों हाइड्रोजन में से एक जगह पर अगर आप अल्काइल ग्रुप लोगे तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा, और अगर दोनों के हाइड्रोजन की जगह पर आप अल्काइल ग्रुप लोगे तो यहाँ पर जो अल्कोहल फॉर्म होगा वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। मतलब सिमिलरली देखो अगर हम एक ही कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं बस एच की जगह पे कितने ग्रुप ले रहे, दिस वन इज द अगेन अल्डिहाइड बट द नेम ऑफ द अल्डिहाइड इज एसिड अल्डिहाइड। अब ये एसिड अल्डिहाइड अगर कितना टीएच के साथ रिएक्ट हुआ CH3 Mg Cl, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा CH3CO, यहाँ पर अटैच होगा MgCl और यहाँ पर CH3 यहाँ पर H, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, कॉम्प्लेक्स का एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। ओके तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कंपाउंड क्या होगा CH3C यहाँ पर OH यहाँ पर H यहाँ पर CH3 और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ पर MgCl-OH। देखो यहाँ पर OH जो प्रेजेंट है इस H को हम यहाँ पर ही लिखेंगे और इस CH2 को इस तरह। ओके तो जो OH जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो कौन से कौन से कार्बन भरे सेकेंडरी कार्बन, तो यहाँ पर जो अल्कोहल फॉर्म हुआ है वो कौन सा अल्कोहल है, अल्कोहल। अगर आप दोनों भी हाइड्रोजन की जगह पर अल्किल ग्रुप लोगे तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर कौन रहेगा, मिथिल ग्रुप अटैच रहेगा, तो यहाँ पर जो अल्कोहल फॉर्म होगा वो अल्कोहल कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल। दैट मीन्स व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद द लिग्नार रिएजेंट इट गिव्स ऑल टाइप्स ऑफ द ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ द अल्कोहल। ओके सो लुक एट हियर, the second one method of preparation of the alcohol is hydroboration, that is the oxidation of alkene from carbonyl compound ka use karke yahan par do reaction mile the honge carbonyl compound ka aldehyde ke carboxylic acid reduction reaction aur by using Lignard reagent hum alcohol denge aur dusri reaction hai main method of preparation hydroboration which is called as the oxidation of alkene। to yahan par hydroboration ye ek process hai which is nothing but the ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्किन ई एन ई मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा बट इन द प्रेजेंस ऑफ द बोरेन, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन है मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन का एडिशन होगा ऑन द अल्किन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोबोरेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ बोरेन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोबोरेशन। अब बोरेन मतलब क्या, जैसे अल्केन है वैसे ही बोरेन होगा, तो बोरॉन पर तीन बॉन्ड रहते थे जैसे कार्बन पर चार बॉन्ड रहते थे, तो बोरॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू द कार्बन, तो बोरॉन यहाँ पर तीन बॉन्ड फॉर्म करता है और कार्बन चार, तो बोरॉन जब तीन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बोरॉन के बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं या फिर अदर एलिमेंट के साथ भी, अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर बोरेन।
But this first one compound BH3 does not exist due to the electron deficient nature. क्योंकि अगर हम CH3 कंसीडर करेंगे तो हम इसको अल्काइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहेंगे, अल्केन नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इसका एक बॉन्ड वैकेंट है. ओके, तो यहाँ पर BH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा. तो ये एग्जिस्ट होता है B2H6 के फॉर्म, लाइक C2H6. अब B2H6 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, बोरॉन जैसे C2H6 में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है और तीन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होते हैं. तो ये फॉर्मूला हो गया C2H6 का, दैट इज द इथेन. ओके, बट यहाँ पर बोरॉन के सिर्फ तीन ही बॉन्ड होते हैं. ओके, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ. ओके, और दूसरा यहाँ पर जो प्रेजेंट है, दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा जो हाइड्रोजन है वो तीसरा हाइड्रोजन इस मैनर में प्रेजेंट रहेगा. मतलब बोरॉन और बोरॉन का जो तीसरा हाइड्रोजन है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अटैच होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन दूसरे बोरॉन के साथ पार्शियल अटैच रहेगा. दैट मीन्स इट प्ले द रोल एज अ हाइड्रोजन ब्रिज. और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस बोरॉन के साथ, ये फर्स्ट बोरॉन, ये सेकंड बोरॉन, तो सेकंड बोरॉन के साथ ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, फर्स्ट के साथ ये पार्शियली. मतलब यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन दो बोरॉन को एक साथ कंबाइन करके रखने का रोल प्ले करते हैं, विच इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन ब्रिज. पर यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होने की वजह से इन हाइड्रोजन को पुल का काम, मतलब ब्रिज का काम या फिर ब्रिज का रोल प्ले करने की जरूरत नहीं. बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम होने के वजह से यह हाइड्रोजन दोनों भी बोरॉन को कनेक्ट करके रखेगा बाय यूजिंग द ब्रिज. ओके, दैट्स व्हाई इन हाइड्रोजन प्ले द रोल एज अ हाइड्रोजन ब्रिज. तो यहाँ पर ये यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज नथिंग बट द B2H6 व्हिच इज लुक लाइक सिमिलर टू द इथेन एंड इट इज कॉल्ड एज द डायबोरेन. तो इस डायबोरेन में बोरॉन एटम भी है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों भी इस अल्किन ग्रुप पर ऐड होंगे, क्योंकि अल्किन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो वीक होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पर बोरॉन और हाइड्रोजन ऐड होंगे. इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस कहते हैं. ओके, सो हम यहाँ पर रिएक्शन स्टडी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बोरेन के साथ डायबोरेन के साथ कंपाउंड फॉर्म होता है. सो हमारा मेन रिएक्टर है अल्किन, सो वी यूज द अनसिमेट्रिकल अल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3. नाउ दिस अल्किन इज रिएक्टेड विद द डायबोरेन. ओके, तो एक बोरॉन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिर्फ तीन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH3 CH CH2, यहाँ पर एक जगह मिलेगी, यहाँ पर एक जगह मिलेगी, तो बोरॉन के पास यहाँ पर ये अटैच हुआ, ये वाला है, ठीक है, ये
ये अटैच हुआ है, मतलब ये सी एच टू इस पर अटैच हुआ, यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गया है वो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ। अब दो हाइड्रोजन फिर से बाकी है, तो इस हाइड्रोजन की जगह पर फिर से कौन अटैच होगा, ये वाला ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पर एक बोरॉन कितने अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, तीन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री। दिस वन इज कॉल्ड एज ट्राई अल्काइल बोरेन। जनरली इट इज कॉल्ड एज द ट्राई अल्काइल बोरेन। सो बोरॉन के तीन बॉन्ड, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन पर जाएगा इस कार्बन पर, और बोरॉन इससे अटैच होगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा बोरॉन इससे अटैच होगा। उसी तरह से अदर तीन के साथ भी होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल बोरॉन कितने हैं, दो बोरॉन है, तो मिथिल ग्रुप कितने होने चाहिए, सिक्स, मतलब एक बोरॉन के साथ तीन। तो हम यहाँ पर आए दो बोरॉन के लिए जाके कर यहाँ पर यूज कर सकते, मतलब बोरॉन दो हो गए और अल्किल ग्रुप कितने हो गए, सिक्स। ये एक दो तीन, ब्रैकेट में तीन है और तीन को दो से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अल्किल ग्रुप कितने होंगे वहाँ पर, सिक्स होंगे। मतलब वन डायबोरेट इज रिएक्टेड विथ हाउ मेनी अल्किल ग्रुप, सिक्स अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर सिक्स अल्किल ग्रुप विथ वन डायबोरेट यूज होगा, ये फर्स्ट। बट इट इज द अनस्टेबल कंपाउंड एंड इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग द हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, किसके साथ ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, H2O2 विच इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन। अब H2OH का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो है इस तरह, मतलब यहाँ पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ओके। अब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की वजह से वो इस मॉलिक्यूल में से किसे कैच करेगा, OH। तो अगर बोरॉन में से तीनों भी अल्किल ग्रुप निकल गए तो बोरॉन की कितने बॉन्ड खाली होंगी, यहाँ पर तीन बॉन्ड, एक दो तीन, अगर अल्किल ग्रुप पूरे निकल गए तो मतलब यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और यहाँ से, तो बोरॉन की तीनों भी वैलेंसी खाली हो रही है, तो ये बोरॉन के पास कौन जाएगा, OH जाएगा। इसी से यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH, मतलब बोरॉन फुलफिल्ड होगा। बचे कौन, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2। अब हर CH2 का बॉन्ड जो है खाली है, CH3, CH2, CH2, यहाँ पर भी सिमिलर, यहाँ पर भी सिमिलर, तो यहाँ पर CH2 प्रेजेंट है और यहाँ पर CH2 प्रेजेंट है, तीन CH, तीन अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है और तीनों के अल्किल ग्रुप का ये जो कार्बन, थर्ड कार्बन है, ये कार्बन की जो वैलेंसी, वो वैलेंसी कम है, मतलब ये जगह खाली है। तो यहाँ पर इसमें से कौन बचा है, OH बचा है, तो ये कार्बन बोरॉन निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज लेगा और पॉजिटिव चार्ज लेने की वजह से यहाँ पर OH जाकर अटैच होगा, यहाँ पर OH इस तरह से अटैच होगा, मतलब बोरॉन के साथ भी OH अटैच होगा और अल्किल ग्रुप के साथ भी OH अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप कितने हैं, तीन, तो यहाँ पर तीन लिखो। अब यहाँ पर तीन लिखने की वजह से टोटल OH कितने हो गए, यहाँ पर तीन OH हो गए और यहाँ पर बोरॉन पर तीन OH हो गए, क्योंकि बोरॉन तीन बॉन्ड परफॉर्म करता है, तो तीनों भी बॉन्ड किससे सेटिस्फाइड होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सेटिस्फाइड होंगे। तो यहाँ पर बोरॉन के तीनों भी बॉन्ड सेटिस्फाइड हुए हैं, तो सेटिस्फाइड होने के बाद यहाँ पे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब टोटल कितने हो गए, सिक्स, सिक्स हो गए। इसका मतलब परऑक्साइड मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए, तो ये थ्री हाइड्रोक्सी, ये थ्री हाइड्रोक्सी, मतलब टोटल हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हो गए, सिक्स हाइड्रोक्सी ग्रुप जो यहाँ पर सेटिस्फाइड हुए। तो ये हो गया ट्राई हाइड्रोक्सी बोरे, और बोरिया हाइड्रोक्साइड भी हम बोल सकते हैं, बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ओके। सॉरी, यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी बोरेन भी, बोरॉन
ट्राइहाइड्रोक्साइड विच इज बेस, और यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है दिस वन इज द अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल। इस तरह से हाइड्रोबोरेशन के थ्रू क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। सो दिस अनसिमेट्रिकल अल्किन व्हेन रिएक्टेड विद द डाइबोरेन देन अकॉर्डिंग टू द एंटी मॉर्फोनिक ऑफ स्ट्रोल द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट अटैच ऑन दैट कार्बन एटम विच इज कंटेनिंग द विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन इज अटैच टू दैट लोअर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम अक्रॉस द डबल बॉन्ड टू गिव द ट्राइअल्किल बोरेन। नाउ दिस ट्राइअल्किल बोरेन फर्दर ऑक्सीडाइज विद द हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू गिव द प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन किसमें होगा, प्रोपाइल अल्कोहल में होगा बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सिर्फ यहाँ पर दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए गए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड मीथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होकर अल्कोहल फॉर्म होगा एज वेल एज दिस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विग्नाट रिएजेंट के साथ होकर अल्कोहल फॉर्म होगा। और दूसरी मेन रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन जिसमें अल्किन का अल्किन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ होगी और यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होगा वेन द ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट विद द हाइड्रोजन परऑक्साइड।